नमस्कार दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड चैनल में आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जो कि 500 रुपीज के मोतीलाल नेहरू कॉइन के बारे में। दोस्तों ये कॉइन के बारे में आप लोगों को बता दूं, इस कॉइन का आज का जो मार्केट वैल्यू हम आपके सामने इसी वीडियो में लेकर आए हैं। और आज दोस्तों आपको बता दूं, अगर हमारा चैनल पे आप लोग अगर नए हैं तो जरूर हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह बहुत सारे कॉइन का जो कि अभी का जो मार्केट वैल्यू हम अपडेट देते रहते हैं। और दोस्तों ये जो कॉइन है, इसी कॉइन का मार्केट वैल्यू जानने से पहले चलिए इसी कॉइन का बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये जो कॉइन है इसका इश्यूअर है इंडिया, और पीरियड दोस्तों ये इशू इंडिया में ही इशू हुआ था। पीरियड की बात करें दोस्तों, ये रिपब्लिक पीरियड में डाला गया था। और दोस्तों टाइप इसका सर्कुलेटिंग कमोडिटी कॉइन है। ईयर की बारे में बात करें दोस्तों, 2012 में ही ये डाला गया था। और वैल्यू दोस्तों इसका इंडिया में 5 रुपीज है, यानी कि 5 इंडियन रुपीज है। और करेंसी दोस्तों इसका रूपी है, ठीक है दोस्तों, करेंसी इसका रूपी है। दोस्तों कंपोजिशन की अगर बात करें, ये जो दोस्तों कॉइन है ये निकेल और ब्रास से बनाया गया था। वजन इसका 6 ग्राम है, और डायमीटर की बात करें तो 23 मिलीमीटर है। और दोस्तों इसकी जो थिकनेस है 1.9 मिलीमीटर है। शेप दोस्तों आप देख रहे होंगे, जो कि शेप इसका राउंड शेप वाला कॉइन ही ये है। और मेडल ओरिएंटेशन मेडल अलाइनमेंट है। कमोडिटी इशू दोस्तों, कमोडिटी इशू की बात करें, ये दोस्तों 105th एनिवर्सरी ऑफ मोतीलाल नेहरू, यानी कि मोतीलाल नेहरू के जन्म सती, यानी कि 150 वर्ष जयंती के मौके पर ये डाला गया था ये कॉइन। और दोस्तों चलिए जानते हैं इसका जो हेड साइड थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हेड साइड, यहाँ पे पूरा का पूरा मतलब है, यहाँ पे लिखा गया है अशोक लैंड पेडिस्टल है, नीचे अशोक यानी कि सत्यमेव जयते लिखा गया है, और नीचे 5 लिखा गया है। देखिए राइट साइड में बात करें तो राइट साइड में इंग्लिश में इंडिया लिखा गया है, और लेफ्ट साइड में हिंदी में भारत लिखा गया है, ठीक है दोस्तों। और बात करें ये दोस्तों जो रिवर्स साइड की बात करें, तो रिवर्स साइड में देखिए दोस्तों, पिक्चर ऑफ मोतीलाल नेहरू फेसिंग लेफ्ट इन द सेंटर, यानी कि सेंटर में मोतीलाल नेहरू ने लेफ्ट की ओर मुंह किए हैं, जो कि और लिखा गया है, देखिए हिंदी में लिखा गया है मोतीलाल नेहरू की 150वीं जयंती, ऊपर में हिंदी में लिखा गया है। और इंग्लिश में लिखा गया है 105th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मोतीलाल नेहरू। ईयर दिया गया है दोस्तों 2012, ठीक है दोस्तों। ये रहा पूरा का पूरा जो उसका आगे वाला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा, वही कॉइन का। अब दोस्तों बात करें इसकी जो मिंट मार्क की, यानी कि ये कितने मिंट में डाला गया था। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं इसकी जो मिंट है दोस्तों, ये कितने मिंट में डाला गया था, ठीक है दोस्तों। मिंट की बात करें दोस्तों, ये चारों मिंट में डाला गया था। पहला मिंट जो है दोस्तों वही बॉम्बे मिंट, यानी कि स्मॉल डॉट और डायमंड मार्क होगा जो बॉम्बे मिंट। और दूसरा हैदराबाद मिंट, यानी कि दोस्तों हैदराबाद मिंट मतलब 5 पॉइंटेड स्टार जिस कॉइन में है वही मिंट है हैदराबाद मिंट। और तीसरा जो है कलकत्ता मिंट, यानी कि किसी कॉइन में कोई भी मिंट मार्क नहीं होगा। और नोएडा मिंट की बात करें तो स्मॉल और थिक डॉट है। तो ये रहा दोस्तों चारों मिंट, और मैंने बता दूं कौन सी मिंट का वैल्यू मतलब हाई है। तो चलिए आपको बारीकी से चारों मिंट का वैल्यू मैंने बता दे रहा हूं। और दोस्तों लोग आपको लाखों करोड़ों में अगर बात करते हैं तो ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है दोस्तों। चलिए 2012 का दोस्तों जो बॉम्बे मिंट का कॉइन है दोस्तों, उसका वैल्यू सिर्फ 15 रुपये, यानी कि नॉर्मल कॉइन है। और दोस्तों 2012 का जो कलकत्ता मिंट है, कलकत्ता मिंट का जो कॉइन है उसका वैल्यू भी सिर्फ 15 रुपया, यानी कि ये भी नॉर्मल कैटेगरी में कॉइन जाता है। और दोस्तों जो हैदराबाद मिंट का कॉइन है दोस्तों, उसका वैल्यू भी वही सिर्फ जो कि 15 रुपया, यानी कि सिर्फ नॉर्मल मिंट है दोस्तों। और 2012 का जो नोएडा मिंट है दोस्तों, उसका वैल्यू भी सिर्फ 15 रुपया, यानी कि ये पूरा का पूरा नॉर्मल कॉइन है, ठीक है दोस्तों। मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा कॉइन का बारे में डिटेल्स दे दिया, और ये वैल्यू भी मैंने बता दिया दोस्तों। आपको अगर कोई बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है तो आप लोग जरूर
उनके बात मत सुनिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये कैन सिर्फ लो कैटेगरी यानी कि इसका वैल्यू बहुत ही कम है। ठीक है दोस्तों, जितने भी बात मैंने बताया आप लोग अगर कुछ समझे तो जरूर हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।